नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे लिए कैसे संकेत हैं। सुस्त शुरुआत गिफ्ट निफ्टी की दिखाई दे रही है, जो कि 5.5 अंक नीचे है। डाउ फ्यूचर्स 27 अंक कमजोर है और नैसडेक फ्यूचर्स की बात करें 20-21 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। एशियन मार्केट्स हालांकि कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जापानीज मार्केट निकाय 213 अंक मजबूत है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं वो थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में ही खुलते नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% की स्ट्रेंथ तो यहां पर शुरुआती ट्रेड में दिखाई दे ही रही है। कुछ रिकवरी हमने सोने चांदी कच्चे तेल में देखी है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर दायरे का ट्रेड ही नजर आया। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से ट्रिगर्स पर क्यूज पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, कहाँ पर है नजर, क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में? उतने खराब संकेत नहीं आ रहे हैं मॉर्निंग नेहा, और ठीक ठाक आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले दो दिनों से फ्राइडे का सेशन भी देखें अगर आप यूएस का, और फिर कल शाम का भी सेशन देखें, बाकी ग्लोबल मार्केट्स का देखें, हमारे बाजार को भी देखें, तो थोड़े स्टेबिलिटी के आपको संकेत लौटते हुए दिख रहे हैं। कल वैसे लगातार दूसरे दिन आप कह सकते हैं कि यूएस में मिला जुला कारोबार था। फ्राइडे को हमने देखा था डाउ पर हल्की बढ़त थी, बाकी इंडेसीज कमजोर थे। कल हमने देखा डाउ पर मामूली सी बढ़त थी, बाकी इंडेसीज मजबूत थे। इनफैक्ट डाउ सिर्फ कल 35 अंक नीचे बंद हुआ, हालांकि निचले स्तर से 200 अंक सुधरा जरूर था, तो ठीक ठाक कारोबार आपने होते देखा। करीब 250-300 अंकों की रेंज में कारोबार था, तो उतनी बड़ी रेंज भी नहीं थी, उतना वॉलेटाइल सेशन भी नहीं था, और निचले स्तरों से तो ठीक ठाक रिकवरी भी आपने डाउ पर देखी थी। वहीं नैसडैक में कल जबरदस्त एक्शन दिखा और लंबे समय बाद नैसडैक की लीडरशिप आपको यूएस में लौटती हुई दिखी है। यहीं से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी और यहीं पर कल लीडरशिप आई है। चार दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा, इससे पहले हम देख रहे थे हल्की गिरावट फ्राइडे को थी, बट उससे पहले 1-1% तीन दिन लगातार गिरा था। कल 1.5% का बढ़िया रिबाउंड आया है, अगस्त में सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल आपने देखा है, तो एक अच्छी खासी रिकवरी कल हमने नैसडैक में आती हुई देखी। यहाँ पर मदद करी थी आपकी आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स में, स्पेशली एनवीडिया जिसके नंबर्स कल आने वाले हैं। उससे पहले कल हमने देखा मंडे शाम को 8% का बड़ा उछाल आया था। एनवीडिया ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो रहा है। अनुमान है कि इसका बड़ा फायदा एनवीडिया को होने वाला है। अनुमान है कि कल वेडनेसडे को जब इसके नंबर्स आएंगे तो वो काफ़ी मजबूत रहने वाले हैं, तो उससे पहले हमने एक बड़ा एक्शन इसमें आते हुए देखा और इसके चलते बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी। साथ ही टेस्ला, यहाँ पर आपने अच्छा एक्शन देखा है, 7% का उछाल आया था। ब्रोकरेज स्टॉक्स पर काफ़ी बुलिश हैं। जूम के कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद आगे की गाइडेंस काफ़ी अच्छी थी, तो ये शेयर भी 4% उछला था। तो आईटी सेक्टर से जुड़े कई सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा, और इसलिए बाजार में और नैसडैक में इन पर्टिकुलर आपने एक्टिविटी अच्छी देखी है। ये इसके बावजूद है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी और कंज्यूमर शेयर्स, यहां पर थोड़ा दबाव बना हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा डाउ पर नरमी थी, अदरवाइज कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं हुआ था। आज की अगर आप बात करें तो रिटेल दिग्गज हैं दो कंपनीज, लो और मेसीज, इन दोनों के नंबर्स आएंगे, तो यहां पर भी थोड़ा सेंटिमेंट पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। साथ ही मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा जो आएगा। बट हाँ, एक चीज है जहां पर बाजार को रखनी है नजर, वैसे तो कल हमने देखा नैसडैक पर बड़ा उछाल आया था, बट यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की, वो आपको एक बार कल फिर से उछल कर जाते हुए देखिए, 4.35% के पार है 10 साल की बॉन्ड यील्ड। ये नवंबर 2007 के बाद इन लेवल्स पर आती हुई दिख रही है, तो 16 साल की ऊंचाई पर आपको यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है, तो ये एक फैक्टर जिस पर रखनी है नजर। हालांकि कल आईटी में अच्छा एक्शन था, बट यूजुअली जब हम देखते हैं बॉन्ड यील्ड में इतनी बड़ी मूव आती है तो आईटी स्टॉक्स पर दबाव होता है, बट ये एक फैक्टर है जो दिखा रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं अब तैयार हो रहा है शायद एक और फेड रेट हाइक के लिए, या लंबे समय तक फेड के रेट्स बढ़े रहेंगे, इस संभावना के लिए बाजार तैयार हो रहा है। क्योंकि अगर आप जानकारों का सर्वे भी देखें तो सितंबर पॉलिसी में तो अभी भी करीब 85% लोग मान रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होगा, बट उसके बाद जो 1 नवंबर को पॉलिसी होगी उसमें माना जा रहा है 38% लोगों से कि रेट हाइक आ सकती है। तो थोड़ा एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। ऑफकोर्स जैक्सन होल सम्मेलन थर्सडे से शुरू हो रहा है, शुक्रवार को पावेल साहब भी बात करेंगे, तो उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, बट बाजार कहीं ना कहीं अब मेंटली प्रिपेयर हो रहा है हायर फॉर लॉन्गर जो रेट्स की बात है, और शायद उसका इम्पैक्ट आप बॉन्ड मार्केट में पहले आते हुए देख रहे हैं।
इसके अलावा कमोडिटी बाजार पर देखें तो कल हल्का एक्शन रहा, कच्चे तेल में थोड़ा दबाव था, ऊपरी स्तरों से 85 के नीचे आपको ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, थोड़ी चीन में सुस्ती के आसार हैं, हालांकि मेक्सिको की खाड़ी में एक तूफान आने वाला है तो देखते हैं अगर आगे सप्लाई डिसरप्शंस होते हैं कि नहीं। सोने में हल्का रिबाउंड देखा आपने 5 महीने के निचले स्तर पर, बट ऑलमोस्ट दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है। चांदी में थोड़ा रिबाउंड देखा है, करीब 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आपको आते हुए दिखा है। कल बेस मेटल्स में भी अच्छा खासा एक्शन रहा, जब हमारे बाजार भी खुले थे तो हम देख ही रहे थे, तो यहाँ पर रखेगा नजर, एग्री कमोडिटीज मिली जुली रही हैं, तो थोड़ा कमोडिटी स्पेस स्टेबल हुआ है, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो ग्लोबल बाजारों से ठीक ठाक संकेत आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो ठीक ठाक संकेत ग्लोबल मार्केट से, अब देखना यह होगा कि कल जो हमने एक रिकवरी मार्केट्स में दिखाई है, क्या उसे ये एक्सटेंड करने में सफल साबित होते हैं या फिर नहीं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। बिकवाली FII की तरफ से जारी है, कैश स्पेस में 1900 करोड़ के पास की बिकवाली हमने देखी है, FNO स्पेस में देखी है, कुछ खरीदारी का सपोर्ट ऑफकोर्स घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से है जो कि 626 करोड़ के आसपास की जिन्होंने खरीदारी दर्ज की। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हमें आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन सब के बीच आज हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, कल हमने निफ्टी की डेज हाई के पास क्लोजिंग होते हुए देखी है, हरे निशान में मार्केट्स बंद हुए हैं, आज जैसे क्यूज है सर, उन सब के मद्देनजर क्या करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कोई लेवल्स में चेंज? गुड मॉर्निंग, यहाँ देखिए अगर शुरुआत और थोड़ा सा नीचे मिले बाजार आज तो खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि 19300 के आसपास बाजार थोड़ा सपोर्ट लेकर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अलग बात है कि ऊपर बढ़ने के लिए जितने मजबूत संकेत चाहिए वो मिसिंग है, क्योंकि कल जब हम बंद हुए थे 125 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स पे उतार चढ़ाव के बीच मुश्किल से हरे निशान में बाजार बंद होते हुए दिखे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा निचले स्तरों का इंतजार करें फ्रेश खरीदारी करने के लिए, और अगर अच्छी एंट्री पॉइंट मिले तो आपको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, न बड़ी तेजी के संकेत है न कोई खास मंदी के। FIIs के डेटा जो है कल के सेशन के थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे हैं, हालांकि कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा आया है अच्छा ही है, 1900 करोड़ का छोटा नहीं होता, इन सामने 2100 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो नेट नेट अगर देखें तो FIIs की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, उस हिसाब से 19300 ये 75 पॉइंट की रेंज आपके लिए खरीदारी के लिए अच्छी जगह बनाती हुई दिखेगी, इस रेंज में आए तो डेफिनेटली आपको चांस लेकर खरीदारी करनी है। ऊपरी स्तरों पर 19465 से 19500 के आसपास के लेवल ऐसे हैं जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, और वहां पर आपको आने पर मुनाफा वसूली करके फिर से इंतजार करना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44000 पर एग्जैक्टली वहां पर बंद हुआ है, मेक और ब्रेक लेवल वही है, और ऐसे में 43,750 के आसपास सपोर्ट रहेगा आज पहला बैंक निफ्टी पर, और वो आसानी से टूटने वाला है नहीं, इस रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 44,200 से 44,400 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, हायर लेवल्स पर इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। जी सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, तो लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा, एक कमजोर शुरुआत मिले तो आपको खरीदारी के मौके होंगे। 19,250 से 325 ये सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए है, 19,500 तक ये जो रेजिस्टेंस बैंड है वो स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी में 43,750 से 850 सहारा यहां मिलता हुआ दिखाई देगा इस इंडेक्स को, और रुकावट वाली जो रेंज है वो 44,200 से 400 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिख रहा है? जी गुड मॉर्निंग, अगर ट्रिगर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ट्रिगर्स में आपको ध्यान रखना है वेदांता के लिए, क्योंकि वहां पर वेदांता के तमिलनाडु स्टरलाइट प्लांट पर सुप्रीम कोर्ट की जो है सुनवाई होगी, उसी के साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, वो जो है भारत NCAP जो कि अगर आप बात करें भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है सन टीवी नेटवर्क में जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 6.3 का, ग्लोबल के हिसाब से जापान का CPI का डेटा है और साउथ अफ्रीका का जो ब्रिक्स समिट है वो होता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट्स जिसमें पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, अगर आप आज जो है उनका आखिरी दिन है, अगर आप देखें कल तक ओवरऑल सब्सक्रिप्शन उनको लगभग 5.96 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 6.6 टाइम्स है, QIB का हिस्सा 1.5 टाइम्स,
और उसी के साथ साथ एनआईआई की अगर आप बात करें तो लगभग 6.8 टाइम्स जो है उसके आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आज से जिनका आईपीओ खुलेगा, 24 अगस्त तक का आईपीओ खुला रहेगा, प्राइस बैंड 102 से 108 का है। इशू साइज अगर आप देखें 351 करोड़ का, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 104 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें आप निपॉन लाइफ लगभग 19%, इन्वेस्टको लगभग 14%, विंड्रो, व्हाइट ओक, बीओआई, सोसाइटी जनरल आदि जैसे आपको नाम है वहां पर आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट आए थे ऑल कार्गो टर्मिनल्स के, यहां पर अगर आप नतीजे देखें आय लगभग 7% बढ़कर आई है, मार्जिन आपको कम होकर आते हुए दिखे हैं 24.8% से कम होकर 16% पर आते हुए दिखे हैं, और इसके चलते आपको दिख रहा है मुनाफे में भी लगभग 50% के आसपास की कटौती है। खबरों के हिसाब से टाटा पावर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने टाटा मोटर्स के साथ पीपीए किया है, और सब्सिडरी ने उत्तराखंड में कैंपस में लगभग 9 एमडब्ल्यूपी के सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए जो है ये पीपीए करते हुए दिखे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहां पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के जरिए शेयर जारी कर 5000 करोड़ तक फंड जुटाने को मंजूरी मिलती हुई दिखी, और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 91.1 का तय किया गया है। लेमन ट्री होटल्स लगातार यहाँ पर खबरें आती रहती है, कंपनी ने अब भुवनेश्वर और कसौली में दो प्रॉपर्टीज के लिए जो है लाइसेंसिंग करार किया है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस यहाँ पर कंपनी ने चेन्नई में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए एक सेल डीड करते हुए दिखे हैं, इसके चलते लगभग वो अगर आप देखें 6.5 एकड़ जो जमीन है वो खरीदेंगे उस पर प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है उसको बनाने के लिए। EIH लिमिटेड यहाँ पर 1 सितंबर 2023 को बोर्ड की बैठक होगी, और बोर्ड बैठक में कंपनी के जो स्ट्रेटेजीज हैं, फ्यूचर प्लान है और ऑपरेशंस के प्लान पर बातचीत होगी। और अंत में ग्लोबल स्पिरिट्स की बात करें तो कंपनी में मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड और निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स जो है वहां पर उन फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है, उनकी हिस्सेदारी 4.88% से बढ़कर 5.1% के आसपास हो गई, और ये 10 अगस्त को मार्केट ट्रांजैक्शंस के जरिए जो है हिस्सेदारी खरीदी गई। चलिए तो ये तो वो खबरें हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, आपको भी नजर रखनी है। लेकिन आइए एक्सपर्ट्स की कहां नजर बन रही है, कौन से सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर वो फोकस करेंगे, आइए जान लेते हैं। 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके। रुचित मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कल हमने देखा कि ऐसे तो ओवरऑल अधिकतर इंडाइसेस में अच्छी स्ट्रेंथ थी, एक पीएसयू बैंकिंग स्पेस को छोड़ दें इंडेक्स वाइज, लेकिन मेटल्स इनका दमदार प्रदर्शन रहा है। एनएमडीसी 3% की स्ट्रेंथ यहां पर दिखी है, मजबूती लेकर ही बंद हुए हैं 118 के पार। अब जरा बताइए चार्ट्स क्या आगे भी इसकी स्ट्रेंथ को वैलिडेट कर रहे हैं, कल दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ था ये। जी वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी सडनली मेटल्स में हम देख रहे हैं क्योंकि रिलेटिवली करेक्टिव फेज कहीं ना कहीं पूरा हुआ है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव बायस में हमको देखने मिलेगा, और काफी हद तक देखेंगे तो रीसेंट जो पुलबैक मूव डॉलर इंडेक्स में भी आया है उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है कि वापस से नए हाईएस्ट डॉलर इंडेक्स में बने, और डॉलर इंडेक्स और मेटल्स का यूजुअल एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है, तो क्योंकि डॉलर इंडेक्स में ज्यादा तेजी नहीं है तो आई थिंक कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम हमको मेटल्स में आगे चल के कंटिन्यू रहते हुए देखेगा। और एनएमडीसी में भी हम एक अच्छी अपमूव देख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी सारे ऐसे स्टॉक्स जो पीएसयू स्टॉक्स जिसमें अच्छे डिविडेंड वगैरह देती है गवर्नमेंट, तो ऐसे स्टॉक्स में काफी बाइंग इंटरेस्ट हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं। इनफैक्ट नया जी आज जो मेरे दो पिक्स थे वो दो पिक्स में से मेरा एक पिक एनएमडीसी में ही है, क्योंकि प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी पॉजिटिव है, तो एनएमडीसी में मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दूंगा 115 के स्टॉप लॉस से 124 के टारगेट के लिए। ओके, और आपकी दूसरी पिक? जी दूसरी पिक मेरी सीमेंट्स में रहेंगी। यहाँ पे भी हम देखे तो स्टॉक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है रीसेंट करेक्शन के बाद में, तो इधर भी डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है, तो यहाँ पे सीमेंट एक पुलबैक मूव के लिए खरीदारी की सलाह है 3600 के स्टॉप लॉस और 3720 के टारगेट के लिए। ओके, 3600 का स्टॉप लॉस और 3720 तक का टारगेट सीमेंट्स में बनता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद रुचि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ आज इक्विटी मार्केट में है कमाई के मौके। तो एनएमडीसी मेटल स्पेस पर रखिएगा नजर, 124 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी, वहीं सीमेंट्स 3720 तक के अपसाइड टारगेट के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन स्टॉक में भी आ रही है। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अजय सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो बुलियन पे फोकस कर लेते हैं और खास तौर से चांदी पे। 1400 रुपए का दमदार अपसाइड हमने कल बनता हुआ देखा है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ लेकर मार्केट बंद हुआ है। जरा बताइए चांदी में अब क्या सलाह होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखा जाए कल का दिन काफी सरप्राइज था, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग के फेड के मिनट के बाद मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, क्योंकि ये हफ्ते के अंत में हम जैक्सन होल में एक स्पीच आते हुए देखेंगे जहां पे कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक पे कंसर्न है फियर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर रहेगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना कंटिन्यू रेट कट कर रहा है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड कंटिन्यू रेट हाइक कर रहा है, तो एक
असमंजस वाली सिचुएशन बनी हुई। नो डाउट कल के सेशन में हमने डॉलर में जो गिरावट देखी इसका एक सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिला, बट चांदी में तेजी इसलिए ज्यादा बन रही क्योंकि हम गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब गिरावट आते हुए दिख रहे हैं, जो पिछले हफ्ते 84 के करीब था और अब ये 81.20-81.30 के करीब आ चुका है। तो जैसे जैसे ये रेशियो में फॉल आएगा कहीं ना कहीं चांदी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। बट ओवरऑल वीकेंड को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट एक दायरे में ही रहेंगे, तो आज के लिए कल जो रैली आई थी वो आज थोड़ा फीज आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए गोल्ड में, जहां पे 58,350 तक लेना है, 58,100 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 58,650 का टारगेट गोल्ड में रखेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें, कल हमने 2% की बड़ी तेजी देखी थी, थोड़ा फीज आउट होगा मार्केट जो नीचे में, मुझे लगता है कि 71,000 तक चांदी मिले वहां पे लेके चलिए, 70,400 के स्टॉप लॉस से 72,500 के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ओके, अब कच्चे तेल में क्या करें, कल ऑलमोस्ट 81 रुपए की कमजोरी लेकर ये बंद हुआ है हमारे मार्केट्स में, इंटरनेशनली भी वही 84-85 डॉलर के आसपास ब्रेंट घूम रहा है, क्या सलाह होगी? मुझे लगता है कि कच्चा तेल या पूरा एनर्जी काउंटर जो है WTI ब्रांड दोनों ही एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरफ अभी भी एनर्जी डिमांड को लेकर कंसर्न है, चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है चीजों को सही करने के लिए लेकिन अभी भी कुछ ऐसा मटेरियल आउटपुट नहीं आ पा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो ओपेक प्लस ने जिस दिन से आउटपुट में कमी रखी, खास करके सऊदी और रशिया, वो मुझे लगता है प्राइजेस को ज्यादा टूटने भी नहीं, तो एक मार्केट डायरी के सिनेरियो में ही रहेंगे जहां पे ब्रांड मुझे लगता है 82.50 से लेकर 85.50 के रेंज में, WTI भी 79-81 के बीच में रहेगा। इसी चीज को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है आज दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, तो 6800 के करीब बेच के चलना है, 6860 का स्टॉप लॉस रखेंगे, डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा बट 6650 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो एकमात्र कच्चे तेल को आज सेल करने की रिकमेंडेशन है। मेटल्स पर कोई नजर है, जिंक खास तौर से, क्योंकि एलमी इन्वेंट्रीज ऑलमोस्ट 16-17 साल की ऊंचाई पर चली गई हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक में कहीं ना कहीं इन्वेंट्री थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज हमने पहले भी देखा था इन्वेंट्री जैसे जैसे बिल्टअप हुई थी हमने जिंक में काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, तो टाइमिंग मुझे लगता है एलएमई पे जब जिंक की इन्वेंट्री जब तक कोल ऑफ या डिमांड कहीं से निकल के नहीं आती है, जिंक के अंदर दबाव ही है। टेक्निकली देखा जाए तो 213.50 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है मार्केट में दबाव रहेगा, तो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि जिंक के अंदर एक दायरा रहेगा, शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी बिकॉज लोअर लेवल्स पे है और चाइना कंटिन्यू रेट कट्स की सपोर्ट दे रहा है, तो आई थिंक आज का दायरा रहेगा 208.50 से लेकर 212 के बीच में रहेगा। जबकि कॉपर में मुझे लगता है कल हमने मिस कर दिया था 730 का लेवल ब्रिज करने में, बट आज वो टूटता हुआ दिखाई दे, उसी को देखते हुए 725 पे लेना है 722 के स्टॉप लॉस से, 730 का लेवल तोड़ते हुए 732 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ओके, चलिए, तो जिंक में तो दायरे का ट्रेड है, आज अवॉइड करिए कोई भी शॉर्ट या बाय की पोजीशन, लेकिन कॉपर को मेटल पैक में देख सकते हैं और खरीदारी की रिकमेंडेशन 725 के पास है, 730 एंड इवेंचुअली 732 के अपसाइड टारगेट के लिए। धन्यवाद केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पूरे कमोडिटी मार्केट में कहां कहां किस प्रकार के कमाई के मौके। आइए अब बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है। तो सबसे पहले तो अरबिंदो फार्मा पर फोकस कर लेते हैं। सिटी, इन्होंने इसे डाउनग्रेड किया है, पहले बाय था अब बाय से सेल कर दिया है, टारगेट हालांकि बढ़ाया है 660 से बढ़ाकर 750 कर दिया है। टाटा कंज्यूमर की अगर बात करें, नोमुरा ने खरीदारी की राय दी है, टारगेट हालांकि इन्होंने ट्रिम किया है 875 से, अब जो नया टारगेट है वो 872 हो गया। और अंत में सन फार्मा, सिटी की खरीदारी की सलाह है और लक्ष्य सुझाया है 1275 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।